नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ राजन तिवारी। आज ही के दिन यानी 9 जून को मनाया जाता है सेल्फी विथ डॉटर अभियान। बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए शुरू किया गया सेल्फी विथ डॉटर अभियान अब 6 साल का सफर पूरा कर चुका है। इस सफर की शुरुआत 9 जून 2015 को हरियाणा से हुई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के साथ ही सेल्फी विथ डॉटर अभियान की भी शुरुआत हुई थी। कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर नज़र पड़ी और पीएम ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात में जमकर सराहना की इसकी। इतना ही नहीं, पीएम ने विदेश में भी सेल्फी विथ डॉटर अभियान का जिक्र किया और इसे आगे बढ़ाने की अपील की। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हरियाणा के बीबापुर गाँव के सरपंच सुनील ने सेल्फी विथ डॉटर की प्रतिस्पर्धा शुरू की है। अब माहौल ऐसा बन गया है कि हर पिता अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा है। ये कल्पना मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वहीं सेल्फी विथ डॉटर अभियान के फाउंडर सुनील का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को ग्लोबली प्रमोट किया, इसी वजह से इसकी विदेश में भी पहुंच संभव हो सकी। खुशी की बात यह है कि आज नेपाल की बेस्ट 3 सेल्फी को अवार्ड देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का ऐसा असर हुआ कि सेल्फी विथ डॉटर अभियान मुल्क की सरहदों को लांघ कर दूसरे मुल्क में भी दाखिल हो गया। महज 6 साल के अपने सफर में सेल्फी विथ डॉटर अभियान 9 जून 2021 से नेपाल में भी दस्तक दे रहा है। सेल्फी विथ डॉटर अभियान का सफर अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आज आगे बढ़कर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। 9 जून 2017 को राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सेल्फी विथ ऐप और फाउंडेशन की शुरुआत की थी। 2017 में सेल्फी विथ डॉटर क्लासेस की भी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत स्कूलों में संवेदनशीलताओं पर कक्षाओं को शुरू किया गया था। और 2020 में लॉकडाउन में सेल्फी विथ डॉटर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो इसी तरीके से तमाम और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम द वन मिनट शो। नमस्कार।